गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल चैप्टर फर्स्ट की हमने कुछ जनरल बातें की थी। जनरल बातों में देखा था कि व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जो धन कमाने के लिए की जाती है, लेकिन यह क्रिया वैध होनी चाहिए। अगर व्यवसाय अवैध है, इलीगल है, कानून से मान्यता प्राप्त नहीं है, या उस व्यवसाय का उद्देश्य इलीगल है, तो उसे व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। आज बात करेंगे स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली की। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली आज हमारे पास में आधुनिक बैंक है, सब कुछ सुविधा संपन्न है, लेकिन अगर पीछे चले जाए, पीछे का इतिहास देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि प्राचीन काल में भी व्यवसाय चला करता था, आज की व्यवसाय चल रहा है। तकनीक का अंतर है, पहले परंपरागत तकनीकों को काम में लिया जाता था, आज व्यवसाय में आधुनिक तकनीकों को काम में लिया जाता है। तो आज बैंकिंग सेवाएं भी आधुनिक हैं, लेकिन उस समय भी यानी प्राचीन काल में भी बैंकिंग सेवाएं चला करती थी। आज जैसे आधुनिक सेवाएं नहीं थी, स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली चला करती थी। अब स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली क्या थी? यदि किसी व्यवसायी को यहां से दिल्ली जाना है और दिल्ली से माल लेकर आना है, उस समय की बात कर रहे हैं, प्राचीन काल में व्यवसाय को दिल्ली जाना है, दिल्ली से माल लाना है, उसे 1 लाख रुपए का माल खरीदना है, तो उस समय चूंकि साधन नहीं हुआ करते थे, ऊंट गाड़ी से, ऊंट से, बैल से, बैलगाड़ी से या फिर घोड़ों से दिल्ली पहुंचना पड़ता था। रास्ते में जंगल पड़ते थे, जंगल में लुटेरों का, डकैतों का हमेशा खतरा बना रहता था, इसलिए 1 लाख रुपए साथ लेकर जाने का मतलब मृत्यु को बुलावा देना। तो इस डर से व्यवसायी अपने साथ नकदी नहीं ले जाया करते थे। जयपुर का व्यापारी जयपुर के किसी प्रसिद्ध व्यापारी को 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराता था, और जयपुर का व्यापारी दिल्ली के व्यापारी के नाम से हुंडी लिखकर देता था कि फला व्यक्ति आपके पास में आ रहा है, उसको 1 लाख रुपए का माल दे दिया जाए। तो इस तरह से जो नकदी का रिस्क था, जोखिम था, वो कम हो जाया करता था। हमारे जीवन में प्रगति के साथ साथ मुद्रा में भी परिवर्तन आया है। जैसा मैंने आपको कल बताया था, लेदर के सिक्के भी किसी समय चला करते थे, कॉपर के सिक्के भी चले, सिल्वर, गोल्डन, कोइन भी चले, आज भारतीय मुद्रा के रूप में सिक्के भी चलन में हैं, और कागज का रुपया भी आज चलन में है। अभी मुद्रा अस्तित्व में क्यों आई? आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा सामाजिक ज्ञान में वस्तु विनिमय के बारे में, वस्तु के बदले में वस्तु। बच्चों, वस्तु विनिमय हालांकि अब समाप्त हो गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा उदाहरण आज भी देखने को मिलता है, वस्तु विनिमय आज भी चलता है। आपने देखा होगा घरों पर कपड़े लेकर उनके बदले में बर्तन देकर जाते हैं,
वस्तु के बदले में वस्तु, तो वस्तु विनिमय इतना नहीं चल रहा है लेकिन पहले भी था आज भी है। वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग की सबसे बड़ी कठिनाई रहती थी। अगर मुझे, मेरे पास भी एक बकरी है, बकरी के बदले में मुझे गेहूं चाहिए, चावल चाहिए और कपड़ा चाहिए, तो पहले तो मुझे ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसके पास ये तीन वस्तुएं हों और वो बकरी लेने के लिए तैयार हो। ये समस्या बहुत बड़ी आती थी। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के पास में गेहूं, चावल और कपड़ा नहीं मिल पाए, ये तीन अलग अलग लोगों के पास में है। गेहूं अलग व्यक्ति के पास है, चावल अलग व्यक्ति के पास है, कपड़ा अलग व्यक्ति के पास है, तो क्या किया जाए? क्या बकरी के तीन टुकड़े किए जाए तीनों को अलग अलग हिस्सा देने के लिए? अगर ऐसा किया जाता है तो बकरी की जो उपयोगिता है वो नष्ट हो जाती है। आज मुद्रा चलन में है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास बकरी है उसको तीन वस्तुएं चाहिए, वो अपनी बकरी को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और उस मुद्रा से गेहूं, चावल और कपड़ा खरीद सकता है। इसलिए धीरे धीरे बच्चों मुद्रा अस्तित्व में आई। अब देखिए हुंडी क्या होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि जयपुर का व्यापारी दिल्ली माल लेने जाता है, यहां का व्यापारी उसको कागज पर लिखकर दिल्ली के व्यापारी के पास में, कागज उसी के पास रहता था जो व्यापारी दिल्ली जा रहा है, दिल्ली के व्यापारी को उसमें आदेश दिया जाता था कि जो भी पत्रवाहक आपके पास में आ रहा है उसको 1,00,000 रुपए का माल दे दिया जाए। तो 1,00,000 रुपए जो नकद ले जाने का रिस्क था वो रिस्क समाप्त हो जाता है। अब देखिए हुंडी कितने प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, धनी जो हुंडी में किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम उसमें होता था उसको भुगतान करने के लिए कहा जाता था, पाने वाले का कोई दायित्व नहीं, भुगतान पाने वाले का। दूसरा देखिए, शाहजो,
जाजों क्या होता है देखिए, विशिष्ट व्यक्ति को देय भुगतान पाने पर, भुगतान पाने वाले पर दायित्व, विशिष्ट व्यक्ति को देय पाने वाले का है। विशिष्ट व्यक्ति को दे, ऊपर देखिए धनी जोन में किसी भी व्यक्ति को दे, यहां विशिष्ट व्यक्ति को दे, जिस विशिष्ट व्यक्ति का नाम लिखा गया है केवल उस विशिष्ट व्यक्ति को भुगतान दिया जाएगा। और यहां भुगतान पाने वाले का दायित्व होता है जबकि यहां भुगतान पाने वाले का कोई दायित्व नहीं बनता है। यह दर्शनी भूमिका है, यह भी दर्शनी है। जो वाहक है, वाहक कौन? लेकर जाने वाला या उसको प्रस्तुत करने वाला। इस शून्य का भुगतान केवल वाहक या प्रस्तुतकर्ता को ही किया जाता है। जैसे हम बैंक में चेक लेकर जाते हैं, ठीक उसी तरीका है। बैंक में सेल्फ का चेक आपके मम्मी और पापा का चेक आप भी लेकर जाएंगे तो आप क्या हो गए? वाहक। उसमें केवल आपको भुगतान, बैंक केवल आपको भुगतान करेगा, जिसे वाहक चेक कहते हैं। इसी तरह ये जो हुई होती है देखकर बाद, ये इसका भुगतान केवल वाहक को किया जाता है, ले जाने वाले को, प्रस्तुत करने वाले को किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फरमान जो निश्चित अवधि के बाद आदेशित व्यक्ति को दे, निश्चित अवधि के बाद आदेशित व्यक्ति को इस शून्य का भुगतान किया जाता है। निश्चित अवधि पूरी होने पर, जो अवधि हुंडी में लिखी गई है वो अवधि पूरी होने पर ही इसका भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए जोखिम,
प्रेषित माल, जो माल प्रेषित किया जा रहा है यानी जो माल भेजा जा रहा है, यह हुंडी उस माल से संबंधित होती है। यदि माल 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 मार्ग में खो जाए तो अर्हता या धारक उसको वहन करता है। माल को मार्ग में खोने से, नष्ट होने से बचाने के लिए ऐसी हुंडियां जारी की जाती है। जैसे आज इंश्योरेंस कराया जाता है, माल अगर मार्ग में नष्ट हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जितना माल नष्ट हुआ है उसका भुगतान करती है। तो उसी प्रकार की यह हुंडी होती है जो प्रेषित माल पर आहरित की जाती है, जो माल भेजा जा रहा है उस पर उसके लिए लिखी जाती है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये तो है दर्शनी, इनको दर्शनी हुंडी कहा जाता है, और ये है मुद्दती। मुद्दती, मुद्दती का मतलब अवधि से संबंधित, तो ये दोनों मुद्दती हुंडियां होती है। स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली ने मुद्रा, उधार और साख पत्रों के माध्यम से घरेलू और विदेशी व्यापार, व्यापार चाहे घरेलू उस समय था या विदेशी व्यापार हुआ करता था, तो इन दोनों में ही इन साख पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांव में जो इस तरह का लेन देन किया करते थे, धन का लेन देन किया करते थे, उनको सेठ या साहूकार या देसी बैंकर्स के नाम से जाना जाता था। कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन प्राचीन लोगों के आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण घटक हुआ करता था। आज लोग सर्विस के पीछे, नौकरियों के पीछे दौड़ते हैं, उस समय कृषि और पशुपालन ये दोनों आजीविका के कमाने के मुख्य स्रोत हुआ करते थे। कृषि आज भी होती है, पशुपालन आज भी होता है, लेकिन बहुत कम लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जबकि पहले आजीविका का इनको मुख्य साधन माना जाता था। अनुकूल जलवायु और परिस्थितियों के कारण ये एक साल में 2 या कभी कभी 3 फसल भी उगा लेते थे, अभी भी उगाते हैं। तो जलवायु अगर अनुकूल होती थी, मौसम अगर अनुकूल होता था, तो एक एक साल में 2-2, 3-3 फसल किसान लोग पैदा कर लिया करते थे। इसके अतिरिक्त सूती वस्त्रों की बुनाई, रंगाई, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना, नौकाओं का निर्माण करना लोगों की आय का मुख्य माध्यम था, और जो आय लोगों को प्राप्त होती थी उनमें से कुछ बचत करते थे। बचत हम आज भी करते हैं, बचत पहले भी लोग किया करते थे। प्रसिद्ध वर्कशॉप, वर्कशॉप मतलब कारखाना, जहां कुशल कारीगर काम करते थे और कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करते थे। आगे बढ़ेंगे इंडस्ट्री उद्योग के बारे में, उद्योग कहे कारखाना कहे एक ही बात है। कारखाना क्या होता है? जहां कच्चे माल को पक्के माल में यानी निर्मित माल में परिवर्तित किया जाता है, या फिर जहां कच्चे माल को अधिक उपयोगी बनाकर समाज को सौंपा जाता है, वो जो स्थान होता है वो स्थान कारखाना कहलाता है।
परिवार आधारित प्रशिक्षुता प्रणाली प्रचलन में थी और उसका व्यापार हेतु विशिष्ट कौशल प्राप्त करने के लिए विधिवत पालन किया जाता था। कारीगर, शिल्पकार और विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के कुशल श्रमिक कौशल और ज्ञान को विकसित कर उसे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को प्रदान करते थे। पहले जो व्यवसाय चला करते थे, कारखाने चला करते थे, वो अपने घर में चला करते थे और जनरली परिवार के लोग ही उनमें काम किया करते थे, जिनको आज कुटीर उद्योग कहते हैं। लकड़ी के आइटम बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना, ऐसे जो काम थे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाया करते थे। परिवार के लोगों को वो कला समझ में आती थी, वो कला वो दूसरी पीढ़ी के लोगों को ट्रांसफर कर देते थे। इसमें व्यापार और वाणिज्य के वित्त पोषण हेतु वाणिज्य और औद्योगिक बैंक बने। जब प्रॉब्लम आने लगी तो वाणिज्यिक बैंक खुले, औद्योगिक बैंक खुले और कृषकों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण देने लगे, जिससे कृषि का अस्तित्व बचा रहा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, कल हम देखेंगे मध्यस्थों का उदय। मध्यस्थ कौन होते हैं? मैंने आपको बताया था कि चाय का उत्पादन आसाम में होता है और माल हमारे तक पहुंच जाता है। हमारे तक जो माल पहुंचाने का काम करते हैं उन लोगों को मध्यस्थ कहा जाता है, यानी उत्पादक और उपभोक्ता, इसके मध्य में जो कड़ी बनी हुई है वो लोग मध्यस्थ कहलाते हैं। तो मध्यस्थ का उदय कब हुआ था, मध्यस्थ कौन होते हैं, इस बारे में कल देखेंगे। आज इतने में ओके, थैंक्स।